जमीन के विवाद ने एक माँ की कोख सूनी कर दी। 16 साल के टाइकोंडो खिलाड़ी को पड़ोसी ने तलवार से काट डाला और माँ बेटे का कटा हुआ सर सीने से लगाए आंसू बहाती रही। दिल दहला देने वाली ये वीडियो जौनपुर की है। आज के जमाने में किसी का दिल कितना कठोर हो सकता है। किसी का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि जमीन पर विवाद होने के कारण किसी का पूरा परिवार तबाह कर दिया गया। पूरा मामला आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गौराबादशाहपुर थाने के कबीरुद्दीनपुर गांव में रहने वाला अनुराग यादव घर का इकलौता बेटा था। शनिवार को समाज की जमीन पर उगी घास को अनुराग छील रहा था, तभी पड़ोसी रिटायर्ड दरोगा लालता यादव और उसका बेटा रमेश यादव अनुराग से उलझ जाता है। पड़ोसियों ने मामला शांत करवा दिया। पिता पुत्र इस बात को खुन्नस मान बैठते हैं। वहीं 3 अक्टूबर को दोनों तलवार लेकर अनुराग को मारने पहुंचते हैं। अनुराग यादव घर के बाहर ब्रश कर रहा था। बाप बेटे को देखकर अनुराग बचने के लिए भागा तो आरोपी पीछे दौड़ा। रमेश ने तलवार से अनुराग का गला काट दिया। बेटे की चीख सुनकर माँ दौड़ती हुई बाहर आई तो बेटे का सिर कटा धड़ देखकर वहीं बेहोश हो गई। होश आने के बाद बेटे का सिर सीने से लगाकर रोती रही। घटना के बाद गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। लोगों का विरोध देखकर कई थानों की फोर्स वहां मौके पर पहुंच गई और मामला शांत करवाया। बता चले पुलिस ने रिटायर्ड दरोगा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। 40 साल पुराने जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी रमेश और लालता ने अनुराग की हत्या की। मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी कराई जाएगी। बता दें अनुराग यादव राज कॉलेज इंटर में 12वीं में पढ़ता था। अनुराग ने टाइकोंडो में हाल ही में नोएडा में हुई ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा इंडो नेपाल इंटरनेशनल टाइकोंडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।